સુરતની સુમુલ ડેરીએ નવી ટેકનિક વિકસાવી પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે જેથી હવે સુરત અને તાપી જિલ્લામાં જ સુમુલ ગીર જેવી બ્રાઝિલની વધુ દૂધ આપતી ગાય પેદા કરશે જે દૈનિક 30 થી 40 લિટર દૂધ આપશે। सुमूल डेरी द्वारा सामान्य पशुमांथी उच्च उत्पादक धरावता पशु पैदा करवानी पद्धति एटले के एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नो आरंभ आज वांसकोई फार्म अने भानावाड़ी फार्म खाते कर्यो हतो। आ पायलट प्रोजेक्ट हेठळ 10 जेटला पशुमांथी ब्राजीलना पशु जेवा दैनिक 30 थी 40 लीटर दूध उत्पादक वाला पशु पैदा करवामां आवशे। आ माटे आ टेक्नोलॉजी द्वारा उच्च जनिनिक गुण दूध उत्पादक वाला पशु माथी बीज एकत्रित करी सिद्ध थयेला आकलाना बीज द्वारा तेनु फलनीकरण कराशे अने त्यारबाद सरोगेट मधरमा बीज प्रस्थापित करवामां आवशे। आ रीते जे पशु पैदा थशे ते उच्च जनिनिक गुण दूध उत्पादक वाला हशे एटले के कोई पण सामान्य गायमांथी ब्राजीलनी गाय जेवा पशु पैदा करी शकाशे तेमज सामान्य भैंसमांथी उच्च उत्पादकता वाली मूरा भैंस पैदा करी शकाशे। एटलुं ज नहीं आवनारा समयमां एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी द्वारा पशुपालकना घर आंगणे ज 1000 જેટલા ઉચ્ચ જનીનિક ગુણ દૂધ ધરાવતા પશુ પેદા કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે। જયેશ પટેલ, ડિરેક્ટર, સુમુલ ડેરી। સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત દેશ દૂધ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે, પણ પશુદીઠ ઉત્પાદન ઘણું જ ઓછું છે। આજે પણ તમે જોવો તો માંડ 3 થી 5 લીટર દૂધ જાનવરો આપી રહ્યા છે। એના અનુસંધાનમાં भारत सरकारे चिंता करीने गोकुल मिशन अंतर्गत भारत सरकारना अने NDDP अने सुमूल डेरीए जे खास करीने ब्राजील अने इजरायल में जे गायो पैदा करी छे अने दररोजनु 35 થી 40 लीटर दूध आपे छे एवी ज गायो आवनार दिवसोमां सुमूल थकी एना सूरत अने तापी जिल्लामां पैदा थवा माटेनु एम्ब्रियो ट्रांसफरनी योजना आजे शरू करी छे। मान्य मानसिंह भाई पटेल चेरमेन साहेबनुं जे विजन है कि वैज्ञानिक धोरणे दूध उत्पादन वधे अने आवनार दिवसोमां समग्र विश्वमां हरोळमां दूध उत्पादन भारत देशथी अने खास करीने सूरत तापीना जिल्लाना पशुपालकोने राहत थाय ए माटे एम्ब्रियो ट्रांसफरनी योजना आजे शरूआत थई छे। आने कारणे आवनार दिवसोमां ब्राजीलनी जे गीर गायो छे एवी ज गायो आवनार दिवसोमां सूरत अने तापी जिल्लाना पशुपालकोना घणा आगे पैदा थशे।